दोस्तों आज ज्यादातर घरों में आपको पतंजलि के प्रोडक्ट जरूर मिलेंगे, शायद आपके भी घर में होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि पतंजलि इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना? तो चलिए हम आपको बताते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं बाबा रामदेव की। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आज का चमकता सितारा बाबा रामदेव कभी दो वक्त की रोटी खाने को भी मोहताज थे। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बड़ा बलवान है और कभी भी बाजी पलट सकती है। बस यही हुआ उनके साथ। दरअसल उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट करने के बाद बाबा रामदेव ने बिना किसी फीस के लोगों को योग सिखाना शुरू किया। ऐसे अचानक हिमालय चले गए योगियों को और अच्छे से समझने के लिए उन्होंने जब 1993 में हिमालय से वे लौटे, तब उन्होंने हरिद्वार में एक आयुर्वेदिक कॉलेज को ज्वाइन किया। और कुछ साल हरिद्वार में रहने के बाद बाबा रामदेव ने आचार्य कर्मवीर और आचार्य बालकृष्ण के साथ दिव्य योग मंदिर को एस्टेब्लिश किया। बस यहीं से बाबा रामदेव की सक्सेस की शुरुआत हो गई। उसके बाद उन्होंने टीवी पर योग सिखाना शुरू किया और उनके योग का प्रभाव लोगों में इतना फैल गया कि बाबा रामदेव एक सेलिब्रिटी बन गए। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब बाबा रामदेव ने लोगों को करेले और लौकी का जूस पीने के लिए इतना प्रेरित किया कि उस टाइम लौकी की रेट करीब 4 रुपए तक बढ़ गई थी। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने 2006 में पतंजलि योग पीठ की स्थापना की और इसको बेसिकली आयुर्वेद की चिकित्सा को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। और उसके बाद बाबा रामदेव ने धीरे धीरे करके पतंजलि के प्रोडक्ट निकालना स्टार्ट किया और उसके साथ ही उन्होंने पतंजलि की बहुत सी संस्थाएं भी खोली और इसी वजह से आज पतंजलि घर घर में मिलता है और आज पतंजलि 5,000 करोड़ का एम्पायर बन चुका है। तो देखा दोस्तों कि हिम्मत और मेहनत और जुनून के साथ कोई भी कुछ भी कर सकता है। बाबा रामदेव उसके जीते जागते उदाहरण है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।